जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशि फल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं तो अपना और अपने पार्टनर का पूरा विवरण कमेंट बॉक्स में दें, हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देंगे। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि अब आप हमसे कुंडली भी बनवा सकते हैं। इसमें आपको जन्म और शादी के बारे में पूर्ण विवरण दी जाएगी। इसके लिए आप kpkiwani@gmail.com पर मेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। यह चैनल केवल और केवल युवाओं के लिए समर्पित है, खासकर शादी विवाह, शादी में आ रही बाधा, जल्द शादी, लव मैरिज, इन सब विषयों पर इस चैनल पर कंटेंट बनाए जाते हैं। आइए अब आज के विषय पर जानकारी लेते हैं। दोस्तों, जीवन में सपने दोनों का विशेष महत्व होता है। जहां हकीकत है वहां झूठ भी है, यानी कि सपने सिक्स सेंस की तरह काम करता है। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी घटनाएं होने वाली होती है तो उसका मात्र संकेत सपने हैं। अगर सपने में कोई शुभ चीज देखे तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह आपके साथ जरूर घटित होगा, इसके विपरीत भी हो सकता है। अगर बुरा चीज देखते हैं तो यह नहीं है कि आपके जीवन के साथ बुराई होने वाला है, उसके साथ कुछ अच्छा भी होगा। सपने में विपरार्थक शब्द का ज्यादा प्रयोग होता है। ऐसे में आज हम शादी के विषय में जानकारी हासिल करेंगे कि किन सपनों को देखने से यह संकेत मिलते हैं कि आपकी शादी जल्द होने वाली है। आज हम जानेंगे कि किन सपनों को देखने से शीघ्र शादी के योग बनते हैं। आइए जानते हैं। सपने में अगर कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड यानी कि जीवन साथी के साथ घूमती हुई नजर आए तो इसका अर्थ यह है कि आपकी शादी जल्द होने वाली है। अगर आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ या आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं घूम रहे हैं, मेले में, सैर सपाटे में, तो इसका अर्थ यह है कि आपको जल्द ही जीवन साथी मिलने वाला है। अगर सपने में कोई बुनी हुई वस्तु, वस्त्र दिखाई दे तो यह भी शुभ संकेत है और शीघ्र शादी के संकेत है। यह संकेत दर्शाता है कि आपकी शादी जल्द होने वाली है। अगर किसी लड़की को, अविवाहित लड़की को कोई व्यक्ति तोहफा देता है, यानी कि कोई लड़की अगर सपने में ऐसा सपना देखती है कि उसे कोई तोहफा दे रहा है तो यह उस अविवाहित लड़की के लिए शुभ संकेत है, यानी कि उनकी शादी जल्द होने वाली है। अगर आप भी इस तरह के सपने देखती हैं तो आपकी शादी जल्द होने वाली है। अगर कोई लड़की सपने में आभूषण ले तो यह भी शुभ संकेत है और यह संकेत शीघ्र शादी के हैं। अगर आप सपने में आभूषण ले रहे हैं, दे रहे हैं, किसी प्रकार का लेन देन कर रहे हैं आभूषणों का, तो आपकी शादी जल्द होगी। अगर सपने में आप शहद खा रही हैं या कोई लड़का सपने में शहद खा रहा है तो यह भी शीघ्र शादी के योग है। अगर इस तरह के सपने आते हैं तो आप बेहद खुश रहें, निराश होने की कोई जरूरत नहीं। अगर सपने में कोई लड़का और लड़की एक दूसरे को गले लगाते हैं तो यह भी शुभ संकेत है, यह संकेत शीघ्र शादी के हैं। अगर कोई आप सपने में किसी अन्य लड़के लड़कियों को भी गले लगाते हुए देख रहे हैं या देख रही हैं तो भी यह शीघ्र शादी के योग को दर्शाता है। अगर कोई लड़की अपने सपने में अपने जीवन साथी का किसी अन्य लड़की से विवाह होते देख रही है तो यह भी शुभ संकेत है, यानी कि लड़की की शादी जल्द होने वाली है। सपने में लकड़ी का देखना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि अगर आप सपने में लकड़ी देखते हैं तो यह शुभ माना जाता है, यानी कि आपके नए जीवन की शुरुआत होने वाली है और यह शुरुआत शादी से होने वाली है। तो आप जब भी लकड़ी देखें तो घबराए नहीं और ना ही किसी को बताएं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सपने में महिलाएं कुछ ना कुछ खरीदती रहती हैं। अगर आप भी सपने में किसी बाजार में या मार्केट में कपड़े खरीद रहे हैं
तो यह शुभ संयोग है कि आपकी शादी जल्द होने वाली है। अगर सपने में इंसान किसी को शादी वाले कपड़े में यानी शादी वाले जोड़े में देख ले तो यह भी शुभ संकेत है और यह संकेत दर्शाता है कि आपकी शादी बड़ी जल्द होने वाली है। यदि कोई लड़का खुद को सपने में सजते हुए देखता है तो इसका मतलब है कि उस लड़के की जल्द शादी होने वाली है। दोस्तों, यह जानकारी आपको ज्योतिष आधार पर दी गई है और यह पूरी तरह से सटीक जानकारी है। विभिन्न पंडित ज्योतिषों ग्रंथों के अध्ययन के बाद ही आपको यह जानकारी दी गई है, तो यह सटीक और सत्य है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष मान्यताओं, पंचांग, धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु ले। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, अपनाते हैं, मानते हैं तो इससे पहले आप निकट के ज्योतिष अथवा प्रकांड पंडित से संपर्क करें, इसके बाद ही इसे अपनाएं। साथ ही आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, इसके लिए आप मेल कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई है, इसमें बदलाव संभव है। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं। आप सबों का प्यार हमारे चैनल को बहुत मिल रहा है और हम इससे बेहद उत्साहित हैं और आप सबको दिल से धन्यवाद देते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सौ परिवार स्वस्थ रहे एवं सुखी रहे, जहां भी रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे और व्यस्त रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष जरूर हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों।